रात में सोने से पहले दूध में सिर्फ ये दो चीज़ें मिलाकर लगा लें, चेहरा दूध जैसा गोरा हो जाएगा, चेहरे पे किसी भी तरीके के दाग धब्बे नहीं होंगे। ये एक ऐसी इजी एंड इफेक्टिव रेमेडी है जिसे आप केवल 1 वीक तक यूज़ करते हो ना, तो इसका रिजल्ट आपको अपने फेस पे दिखाई देने लगता है। आंखों के नीचे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल हो जाते हैं, स्किन पे बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है, कलर कॉम्प्लेक्शन जिसकी वजह से डार्क हो जाता है। तो अगर आप इस रेमेडी को यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपका कलर कॉम्प्लेक्शन तो ब्राइट हो ही रहा है, साथ साथ जो आपके दाग धब्बे हैं चेहरे पर वो भी धीरे धीरे करके विजिबल हो जाएंगे। सो चलिए हम इस रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेमेडी को आपको कैसे तैयार करना है, उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको सबसे पहले रॉ मिल्क का यूज़ करना है, यानी कि कच्चे दूध का। आपको कभी भी बॉयल्ड मिल्क का यूज़ किसी भी रेमेडी में नहीं करना होता है, तो इस रेमेडी में भी आपको कच्चे दूध का यूज़ करना है। सेकेंड इंग्रेडिएंट हम इसमें ले रहे हैं टमाटर। टमाटर हमारे स्किन से जो टैनिंग की प्रॉब्लम है वो ख़त्म करता है, दूध स्किन को गोरा करने के लिए, स्किन को स्मूथ बनाए रखने के लिए और दाग धब्बों को ख़त्म करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो ये दोनों इंग्रेडिएंट ही आपके स्किन पे जो देखेंगे कि एक मैजिक की तरह वर्क करते हैं। थर्ड हम इसमें यूज़ कर रहे हैं एलोवेरा जेल, मार्केट वाला ही यूज़ करना है आपको। मैं हमेशा आपको प्रेफर करती हूँ कि जब भी आप फेस के लिए कोई रेमेडी बनाएं तो मार्केट वाला किसी भी ब्रांड का एलोवेरा जेल यूज़ करें, क्योंकि ये स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। एलोवेरा को तो आयुर्वेदिक औषधि माना जाता है, तो इसके बारे में मुझे आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ प्लीज़ रेमेडी में अगर आप इसे दूध में लगा रहे हैं तो मार्केट वाला ही एलोवेरा जेल लेना है, आपको घर पर लगा हुआ प्लांट वाला नहीं लेना है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अगर आपके स्किन पे किसी भी तरीके के पिंपल्स नहीं हैं, अगर आपको पिंपल्स हो रहे हैं तो आपको हनी स्किप कर देना है, हनी इसमें यूज़ नहीं करना है। अगर आपके स्किन पे पिंपल्स नहीं हैं, केवल पिंपल्स के दाग धब्बे हैं, तो आप इस रेमेडी में हनी का यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपके चेहरे पे अगर पिंपल्स की प्रॉब्लम हो तो कभी भी हनी का यूज़ ना करें, यानी कि शहद का यूज़ आपको नहीं करना चाहिए। आपके चेहरे पे वो गर्म होता है और आपके चेहरे पे और भी ज़्यादा जो पिंपल्स की प्रॉब्लम है वो स्टार्ट होने लगती है। तो इसे यूज़ करते समय आपको फर्स्ट, जो मैंने हमेशा ही आपको बताया है कि आपको अपने फेस को अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना है, जो भी फेस वॉश आप यूज़ करते हैं रात को सोते समय ही इसे अप्लाई करना है आपको, सोने से पहले यानी कि, और उसके बाद इस रेमेडी को आपको लगा कर रख लेना है। इसके बाद आपको कोई भी अपनी नाइट क्रीम नहीं यूज़ करनी है। अगर आप इस रेमेडी को यूज़ कर रहे हैं तो उतने दिनों तक आपको कोई भी नाइट क्रीम आप जो भी यूज़ करते हैं वो आपको स्किप कर देनी है, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। डे क्रीम आप जो यूज़ करते हैं वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, और इसे आपको 10 से 5 मिनट तक अपने फेस पे लगा कर रखना है। ये अपने आप ही ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, स्किन में अब्सॉर्ब हो जाता है। इसे आपको ऐसे ही रात भर लगे रहने देना है। ये अपना वर्क जो है रात भर करता रहेगा आपके स्किन पे और आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना देगा। तो उम्मीद करती हूँ गाइस आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें ना भूलें। मैं मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।